देखिए अच्छा सा गल गया है, तो पानी भी नहीं डाली, उसमें पानी में दम लगा रहा था, अच्छा गल गया, ज्यादा भी गले तो अच्छा नहीं लगता, शक्कर कितनी डाली, थोड़ा सा आधा चम्मच कलर भी डाली में, एक लगता भी था, एक अपनी मर्जी, शक्कर कितना मीठा खाना चाह रहे हैं आप, तीन को है गाजर है, गलतियाँ नहीं रखते। मिल्क में मीठा रहता ना, मैं थोड़ी चने की दाल निकाल गई रही है, थोड़ी से ऊपर से घुल जाती है चने की दाल, अब मैं क्या करती बोले तो भाजी बहुत अच्छी चीज है, चुके की भाजी भी अच्छी चीज है, अम्बाड़े की भाजी भी, घुटनों में चिकनाहट कम हो गई तो अम्बाड़े की भाजी खा सकते, कोई नहीं खाना अम्बाड़े की भाजी नहीं खाना, चुका नहीं खाना बोलते, खाना जरूर अच्छी चीज है, कोई टेंशन की बात नहीं है, शुगर वाले खा सकते हैं, बीपी वाले खा सकते हैं, अम्बाड़े की भाजी घुटनों में चिकनाहट अपने कमी हो जाती तो अम्बाड़े की भाजी खा सकते, कोई टेंशन की बात नहीं, चुके की भाजी में अब जड़ी बूटी के दवा खाना है लोग नहीं खाते, मैं तो ऐसे बनाई अच्छी चीज है, बहुत ताकत चीज, आठ दस दिन में क्या है, पांच छह दिन में हरे भाजियां हरे तरकारियां जरूर खाइए आप लोग, थोड़ा सा नमक डाली थी फिर भी ये जरा गल जाता, एक सीटी में गल जाता, पनीर अच्छा आ गया माशाल्लाह, घी भी ऊपर आ रहा, खाली गाजर खा सकता दिखता है, इसमें अच्छा ड्राई फ्रूट्स अच्छा डालना, पकने में डालना,
इलायची भी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। थोड़ा दूध में भिगा के भी डाल सकते हैं। मैं ऐसा देखिए, आप ऐसा देखिए इसको थोड़ा। आइए आप लोग भी शिरकत कीजिए, कैसा है मेरा डिश ज़रूर बताइए, कमेंट्स करिए। माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को उम्र दे, सेहत दे। आप लोग सेहत हाल हो गए। मैं बंद कर दे, बन गया मीठा माशाल्लाह। अब रहा इंशाल्लाह, मैं इसी स्टैंड में अभी एसएल ऐसी रखती हूँ। आधे घंटे के बाद नमाज हो गए बस, माशाल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगी। और ये मैं थोड़ा सा बता रही हूँ क्या है, और ये दाल भाजी गला से थोड़ा। और क्या आप लोग कैसे हैं? माशाल्लाह जो मैं ये डिश बनाई थी नेक्स्ट 5-6 दिन कैसा, माशाल्लाह कमेंट्स करें, माशाल्लाह अच्छा है। और मैं नमाज पढ़ूंगी इंशाल्लाह, अभी नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रा ये बता के मैं पढ़ती ज़रूर। बेर खाना भी अच्छी चीज़ है, बहुत फायदेमंद, बेर भी नुकसान नहीं, खट्टा सा ज़्यादा ना को। खट्टे बेर ना को, ठंडा मौसम है। या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ आप दुआ फरमा दे, अल्लाह यदि दौलत दे दे कि हम दो लोग छोड़ कर खाना खाते। ठीक है, मैं भाजी कर ली। मैं आप लोगों को बोलना भूल गई, सोया दाली में बाद में आपको पहले भाजी बता सकती, सैम पर नहीं बताई थी मैं डाली इसके अंदर सोया। बहुत अच्छी चीज़ है सोया खाना, कलेजे में जिसको दर्द रहा तकलीफ रही सोए की भाजी बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन, लीवर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है सोया, ज़रूर खाइए। खड़ी दाल में खाइए, मसूर की दाल में, मूंग की दाल में ज़रूर खाइए आप लोग। मैं डाली, अब इसको थोड़ा सा खोल, गल गई भाजी। इसमें मैं ये दाल दे रही हूँ, इसे मिला लेना। करिया पाक कोथमीर, करिया पाक डाले तो चुकी जो भाजी अच्छी दिखती, थोड़ा सा डालना कि वो अच्छी है, तो थोड़ा सा बढ़ा के बड़े का भी जो अचार गोश्त का इंशाल्लाह बनाऊंगी। टाइम देख के मैं बड़े का अचार, अपन सफ़र में जा रहे तो ज़रूर ऐसे बड़े का अचार बना के, जैसा अचार वाले चटनी के टाइप में जो गोश्त का बड़े का, बड़े भाई अच्छी चीज़ें खा सकते हैं आप लोग। अब जैसा जड़ी बूटी की दवाएं खाने वाले हैं, ज़रा एहतियात कर लेना खाने टाइम पर, अपने को घुटनों में चिकना हाथ कम हो गए, कोहनियों में। बड़े की भाजी बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर खाइए, चुके गई भाजी में कोई नुकसान नहीं। अरे वेजिटेबल है,
हर दिन में अपना वेजिटेबल खाना जरूरी, डेली भी खा कम है, दाल तुअर की दाल जरूर खाई, मसूर की दाल खा। हेल्थ के ये बोलते हैं खा सकते, कोई बात नहीं है, तुअर की दाल बहुत अच्छी चीज है, इसको जरा सा सुकून थोड़ा सा ढीली है, थोड़ा सा पानी उतरा समझो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद ये दाल डालना ऊपर से भुरभुराना, बहुत अच्छा होता टेस्ट। आप लोग देसी हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए। और मेरे भाई और बहनों, जुम्मा मुबारक अभी भी हो रही, अल्लाह आप लोगों की इबादत कबूल फरमा दे। मैं ये हो गए वैसे थोड़ा सा इबादत कर लेके, अल्लाह आप लोग की दुआ कबूल फरमा दे, मैं भी दुआ करूँगी अल्लाह कबूल फरमा दे, रिज़्क में आला दा फरमा दे। बहुत अच्छे थे चुके की भाजी, गोश मस्त मज़ा, गरम गरम खाना, ज्वार की रोटी, बहुत अच्छा होता टेस्ट। हरी मिर्च भी ज़्यादा नहीं, लाइट डाल दीजिए, लाल मिर्ची डालने वाले, लाल मिर्ची डाल सकते, मैं तो ऐसा बनाई आपको बताइए, आपको जैसा चल रहा हो डिश वैसा बने, अच्छा है तो अच्छा बोलूँगी, ख़राब है तो ख़राब बोलूँगी, हमें जैसा बनाई अच्छा है माशाल्लाह। जुम्मा है दाल चाय तो बना के बताई थी, इसलिए चुके की भाजी गोश्त बनी, अम्बाड़े का अचार भी गोश्त का बहुत अच्छा होता है, इंशाल्लाह बनाऊँगी आंध्रा रेसिपी, इधर भी बनाते अपन माशाल्लाह तेलंगाना में भी। तेलंगाना अब ये मैं दाल डालती, थोड़ा सा दिखने में गलती हो गई, कन्फ्यूज भूलने में, तो माफी चाहती हूँ, जरा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। कमेंट जरिए मेरे भाइयों बहनों, कमेंट जरूर लिखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। एक 11 तारीख के दिन बरसी है हमारे यहाँ बेटी सास की, इंशाल्लाह गए तो जाऊँगी जरूर, इसलिए ज़रा बनाने में डिश संडे देखती हूँ, बनाए तो बनाती हूँ। डाल डाल देना सब पानी खींचेगा तो पानी उछल रहा है इसका दाल का, थोड़ा सेल नहीं है, मैं वो सेल अभी मैं हमारे हस्बैंड आएंगे, मैंने तो मेरे लड़के के पास से लेके मैं वो नामा पढ़ दूंगी, माफी चाहती हूँ, परसों टेबल पे बैठ गई स्टक हो गया, वो रुक गया, दोशा दाल थी सो भी रुक गया, मैं दोशा बहुत अच्छा डाली थी, अंडे का दोशा डाली थी, उसमें आनियन प्याज डाली थी, कुथमीर पुदीना, दोशे में बहुत अच्छा दोशा बनाई थी माशाल्लाह, सॉरी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट दोशा फिर बना के बताऊंगी। थोड़ा सा गीला है, थोड़ा सा खींचेगा तो क्या होगा टेस्ट अच्छा। दाल देखिए बच्चे खाए से खाते, मेरे प्यारे बच्चों दाल चुन चुन के खाइए, हम लोग चुन चुन के खाते थे खाना, खाते थे तब दाल और दाल दिख कर है तो खाना खा जाता था, अच्छे बकरी के गोश्त में अच्छी होती चुके की भाजी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क में आला दा फरमाए, आप लोगों को भी रिज़्क में आला दा फरमाए माशाल्लाह, हर मुसलमान को जितने परदेश में अल्लाह उनको सेहत अदा फरमा दे, और जितने भी हैं भाई और बहनों परदेश में अल्लाह उनको सेहत अदा फरमा दे,
और कमाई में बरकत दे, जो रोटी रिजक के वास्ते गए हैं अल्लाह उनके रोटी रिजक में खैर बरकत दे दे, अल्लाह उनके बीवियों के साथ माशाल्लाह खुशहाल कायम रखें, माँ बाप का साया रखे, बच्चों के साथ खुशहाल रहे, हंसते बोलते ज़िंदगी करें, टेंशन निकाल दीजिए, चार दिन की दुनिया है ये, कभी भी परेशान मत हुई, जो भी है अल्लाह ने कितना दिया, आज का अल्लाह है कल का भी अल्लाह है, उसको टेंशन मत लीजिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, वरना बस अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह को याद करो, तहज्जुद की नमाज में दुआ करो, ज़रूर कबूल होती है, जो भी तकलीफ है अपनी सेहत के लिए, अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं जो दाखिलों में है अल्लाह, जो परेशान बीमारियों से दूर फरमा दे, सेहत दे, कमाए में बरकत दे अल्लाह। देखिए पक गया माशाल्लाह, मैं आप लोगों को पहले नामा पढ़ती, नामा नहीं पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माशाल्लाह मीठा भी होगा। तहनिया शुक्रिया, मारूफ शुक्रिया, अतीका शुक्रिया, फातिमा सुल्ताना शुक्रिया, नदीम शुक्रिया, नदीम बहुत देते माशाल्लाह, बेबी के शोहर हैदराबाद शुक्रिया, हकीम शेख शुक्रिया, रफत सुल्ताना शुक्रिया, सोहेल, सुमेरा, सैयद वाहिद शुक्रिया, रेहाना कुबेर शुक्रिया, रेहाना कुबेर शुक्रिया, दो तीन बार दिए माशाल्लाह, फरहाना फरहीन शुक्रिया, राहुल शुक्रिया, मेराज बानो शुक्रिया, नौशीन फातिमा शुक्रिया, तुबा आयजा शुक्रिया, रफा सुल्ताना शुक्रिया, अतीका शुक्रिया, और जितने मैं पहले का डिश जो बनाई थी उसमें इतने कमेंट्स लिखे थे माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को उम्र दे, सेहत दे, कमाए बरकत दे, इतना सा मेरे वास्ते वक्त निकाल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या है, अभी मैं थोड़े डिश में भी हूँ, नामा देखती हूँ मैं नेक्स्ट के, इसमें तो ये परसों बनाए से डिश में कितने नामा लिखी थी मैं पूरे लिख ले के रख ली, अब सेल का इंतज़ार देखे तक टाइम हो रहा। और क्या है, भूल चुक भी आप लोगों के नामा नहीं लूँगी, माफ़ी चाहती हूँ, फिर भी मैं बराबर ज़रूर लूँगी। और क्या, माशाल्लाह इसी कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और देखो इतना समय वक्त निकाली माशाल्लाह, तिलावत करके फिर बैठी वीडियो क्या से। देखो मैं सोया के खातिर मैं डिश जो बनाई, देख दिख रहा नहीं होगा, इधर सोया दाल के दो कट्टे में ज़रूर, अम्बाड़े की भाजी भी विटामिन चीज, चुक्का भी विटामिन चीज, सोया भी बहुत लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये बनाई बकरी के गोश्त में मीठा। आइए शिरकत कीजिए आप लोग भी, रिजक में आला दा फरमा, जाम भी सेहत के लिए, सर्दी कुछ नहीं होती, नमक लगा के खा सकते जाम, बहुत अच्छी चीज़ है जाम खाना, कैरेट कैरेट चलते फिरते खाते रहिए एक एक पीस। और देखिए दिख रहा नहीं होगा, राइस, थोड़ा सा बकरी का गोश, देखिए चुक्के की भाजी गोश, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह खाने में रिजक में आलादा फरमाए, आप लोगों को भी रिजक में आलादा फरमाए। फिर मैं इतने दिन से चूल्हे के नीचे ठहर के बता रही हूँ आप लोग को, इसलिए आज बैठ के मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आओ बच्चों खाइए, आओ मेरे भाई बहनों, रिजक में आलादा फरमाइए, खाइए बहुत अच्छी भाजी, अच्छा है तो अच्छा ही बोलूँगी माशाल्लाह, मैं इंटरेस्ट से ज़रा अच्छा तरीक़े से बनाती, मैं खट्टा बराबर रहना, टमाटर एक टमाटर डाली,
सोए सोए की बुआरी पानी भी नहीं पी। आइए मीठा खाइए। जुम्मा है, गाजर नया साल, गाजर क्या है घी डालिए। घी में अच्छा सा घी में मैं भून ली, बहुत से एक कटोरी घी डाली में और अभी एक कटोरी मिल्क में डालने से बहुत टेस्ट आ रहा माशाल्लाह। ड्राई फ्रूट्स अच्छा रहना इसमें, कद्दू के मीठे में भी ऐसे रहना, इसमें खाली बनाए तो टेस्ट नहीं आता। आइए शिरकत कीजिए। कैसा है स्टार्टिंग से बताइए। बोलते स्टार्टिंग से बताएंगे हर चीज रख के, जमा ली थोड़ी देर रख ले के करके थोड़ी थोड़ी देर को मेरा मैं ले लेना ना सिर, इसलिए तो टाइम लगता। ठीक है, जुम्मा अभी भी जुम्मा मुबारक बोल रही हैं आप लोग को। अल्लाह अपनी अपनी दुआ जो जो कर रहे माशाल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा दे, हम भी इबादत करें वो भी दुआ कबूल फरमा दे। जितने मुसलमान हैं अल्लाह सेहत अदा फरमा दे, अल्लाह सेहत इतनी दूर से दूर बीमारियों से दूर फरमा दे, सेहत अदा फरमा दे। अल्लाह इबादत के लिए पहले, उसके बाद ना जो भी कुकिंग करे अल्लाह सेहत, जितने भी दवाखानों में हैं जो परेशान में हैं, घर में जो खाने के लिए भी परेशान है, अल्लाह उनको रोटी रिज़्क़ के पैरों पर कर दे, बीमारियों से दूर फरमा दे। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में शामिल रखिए।